स्टूडेंट्स आज हमें सीखना है कोलिनियर पॉइंट्स और डिस्टेंस फॉर्मूला। इसमें प्रजापति क्लास में आपका सबका स्वागत है। आई एम प्रजा सर और आपको सिखा रहे हैं मैथ्स। तो देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने चैनल को। ओके, तो कोलिनियर पॉइंट्स एंड डिस्टेंस फॉर्मूला, तो आज हम पढ़े थे कि कोलिनियर पॉइंट क्या है, यानी कि जो पॉइंट एक ही लाइन में बिलोंग करते हैं उनको कोलिनियर पॉइंट बोलते हैं। यानी कि अगर ये मेरा एक लाइन है हमारा L, और इसी पे अगर ये पॉइंट है P, Q और ये R, यानी कि ये जो पॉइंट जो एक लाइन में रहते हैं उन्हें बोलते हैं हम कोलिनियर पॉइंट। तो कोलिनियर पॉइंट और डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है? अगर कोलिनियर पॉइंट है ऐसा हमने रख दिया है तो इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, यानी कि P के बाद Q, Q के बाद R आ सकता है। तो अगर मुझे डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना है तो जो डिस्टेंस PR है वो PQ और QR जितना होना चाहिए। जो डिस्टेंस PR है वो PQ और QR जितना होना चाहिए। तो ये है हमारा कोलिनियर पॉइंट और डिस्टेंस फॉर्मूला। तो हमारे मेरे पास के दो क्वेश्चन है, ये पॉइंट कोलिनियर है कि नहीं मुझे शो करना है, इज दिस पॉइंट आर कोलिनियर और नॉट। तो मैं क्वेश्चन नंबर वन की बात कर रहा हूँ, तो मैं पहले तो डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर देता हूँ। चलो डिस्टेंस फॉर्मूला अगर मैं ए बी का अप्लाई करूँ तो ए बी का क्या होगा, 2-4, यानी कि मैं ऐसा लिखता हूँ 4-2 होल स्क्वायर 7-3 होल स्क्वायर। तब ये तो आपको मालूम चढ़ा, तो 4-2 यानी कि कितना हो जाएगा 2 स्क्वायर, 7-3 कितना हो जाएगा 4 स्क्वायर, यानी कि 4+16 हो गया 20। अभी 20 हो गया, 20 को हम कन्वर्ट करते हैं 5 4 20, यानी कि 2√5। तो AB का लेंथ मुझे मिला, डिस्टेंस मिला कितना 2√5। अब मैं फाइंड करता हूँ BC का लेंथ। BC का लेंथ फाइंड करने के लिए देखिए 4 माइनस 0 होल स्क्वायर। इसी तरह 7-1 है, देखो 7 और -1 है, तो फिर क्या हो जाएगा 7+1 होल स्क्वायर। चलो इसका हम सॉर्टिंग करते हैं तो क्या होगा 4 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। चलो 4 स्क्वायर यानी कि 16 और 8 स्क्वायर यानी कि 64, कुल मिला के कितना होगा, तो 16+4 20 हो जाएगा और ये टोटल हो गया 80। 80 को हम कन्वर्ट करेंगे 16 5 80, यानी कि ये मुझे वैल्यू मिला 4√5। अब हम ढूंढेंगे AC। चलो AC के लिए देखिए A और C, तो 2-0 होल स्क्वायर प्लस 3-1 होगा 3+1 होल स्क्वायर। चलो फिर क्या होगा, तो 2-0 यानी कि 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर यानी कि 4+16 अगेन कम 20। सो इस आंसर इज क्या हो जाएगा 2√5। तो अब देखो मैंने तीनों तीन ढूंढ लिए हैं, तो मेरे पास AB कितना है, AB है 2√5, BC कितना है 4√5 और AC कितना है 2√5। तो अगर ये कोलिनियर पॉइंट है तो क्या होना चाहिए, हमने यहां देखा था क्या होना चाहिए कि PR इक्वल टू PQ प्लस QR, यानी कि सबसे बड़ा डिस्टेंस कौन सा है BC का, BC इक्वल टू AB प्लस AC हो रहा है, देखो AB प्लस AC हो गया, यानी कि BC इज इक्वल टू AB प्लस AC, यानी कि 2√5 2√5 4√5। तो BC इज इक्वल टू AB प्लस AC, यानी कि B-A-C, ऐसा कुछ ये पॉइंट खड़े हो गए, तो फिर ये कोलिनियर पॉइंट हमने शो कर दिया है। दिस इज प्रूव्ड एंड दिस इज प्रूव्ड कि ABC आर द कोलिनियर पॉइंट। समझ में आ गया, एक बार पॉज करके आप वीडियो वापस देख लीजिए, सम करना है आपको। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे जाते हैं। ये है आपका NCERT का एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज है आपका 7.1,
और उसका हम चेक करेंगे कि यार ये कोलिनियर पॉइंट है कि नहीं है। तो वो देखते हैं, तो मैं पहला डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करूंगा ए बी के लिए। सर ए बी का डिस्टेंस फॉर्मूला तो ये हो जाएगा 2 - 1 होल स्क्वायर और 5 - 3 होल स्क्वायर। सर इसका हम स्क्वायर ढूंढेंगे तो 2 - 1 यानी कि 1 स्क्वायर, 5 - 3 यानी कि 2 स्क्वायर, यानी कि 1 + 4 1 + 4 √5 ये मुझे मिल गया ए बी का वैल्यू। डिस्टेंस फॉर्मूला हम बी सी का अप्लाई करेंगे, बी सी ढूंढना है तो 2 + 2 होल स्क्वायर देन 3 + 11 होल स्क्वायर। इसका हम आगे बढ़ेंगे, 2 + 2 यानी कि 4 स्क्वायर, 11 + 3 यानी कि 14 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 16 + 196। सबको मिला के मुझे मिलेगा 212। अब 212 का हम फैक्टराइजेशन करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 1 = 2 और 2 6 = 12, 2 5 = 2 3 = 53 1 = 1, तो ये हो गया हमारा 4 × 53, तो 4 का रूट मुझे मिलेगा 53। समझ में आया आपको? नाउ वी गो फॉर द एसी। एसी ढूंढने के लिए 1 + 2 होल स्क्वायर प्लस 5 + 11 होल स्क्वायर। चलो तो फिर क्या हो जाएगा, 1 + 2 यानी कि 3 स्क्वायर और ये हो गया 16 स्क्वायर, 3 square = 9, 16 square = 256, 256 में अगर 9 डालेंगे तो AC मुझे मिल जाएगा 265। अब 265 का फैक्टराइजेशन करें, कुछ रूट निकलता है नहीं, देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं, 5 5 जा और 5 3 जा, नहीं मिल रहा हमें, इसका रूट नहीं मिल रहा है। तो अब क्या होगा कि अगर मैं ये तीन को इकट्ठा करूंगा तो मुझे कोई वैल्यू मिलेगी नहीं, दिस इज नॉट। तो अब ये क्या हो गया कि AB plus BC is not equal to AC, BC plus AC is not equal to AB, and AB plus AC is not equal to BC. ये सब कुछ क्लियर नहीं है, यानी कि ये जो पॉइंट है ABC are non collinear points। ये हो गया आपका कोलिनियर पॉइंट और डिस्टेंस फॉर्मूला। ओके, आप अच्छी तरह से देख लीजिए। ओके बाय। सो द पॉइंट पी क्यू एंड ओ आर द वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलस राइट एंगल ट्राइंगल। अब देखो राइट एंगल ट्राइंगल है, आइसोसेलस भी प्रूव करना है, तो हमें डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करके देखना है। ओके तो चलो पहले हम डिस्टेंस फॉर्मूला पी क्यू और ओ के बीच में क्या क्या होता है वो देख लेते हैं। तो सपोज ये पी क्यू के बीच में मुझे डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो पी क्यू तो क्या होगा, 3 + 3 होल स्क्वायर प्लस -3 + 3 होल स्क्वायर, राइट। तो क्या होगा, 3 + 3 यानी कि 6 स्क्वायर + 0 स्क्वायर, यानी कि PQ is equal to under root of 36, so PQ is equal to 6, तो ये मुझे मिल गया PQ कितना 6। तो उसी तरह से अगर मैं OQ find कर distance between this OQ, तो -3 - 0 होल स्क्वायर, तो क्या होगा, -3 का स्क्वायर + -3 का स्क्वायर यानी कि 9 + 9, तो हम आगे क्या लिखते थे, 2 × 9, सो वी कैन इजीली फाइंड आउट द रूट ऑफ दिस। सो OQ इज इक्वल टू 3√2, ये मुझे मिल गया 3√2। तो अब मैं ढूंढूंगा OP ढूंढेंगे तो OP का रूट फाइंड करते हैं, OP यानी कि 3 - 0 होल स्क्वायर और -3 - 0 होल स्क्वायर, सो दिस वैल्यू इज 3 स्क्वायर और वो हो जाएगा -3 स्क्वायर, सो दैट इज 9 + 9 एंड 9 + 9 इज इक्वल टू 2 9, सो 3√2। तो अब आप देखो यहाँ पे क्या है कि ये दोनों वैल्यू इक्वल है और ये वैल्यू थोड़ा डिफर है, यानी कि अगर साइड की बात करो तो मुझे क्या मिला, OQ इज इक्वल टू OP मिला,
राइट एंगल के लिए मुझे पाइथागोरस देखना पड़ेगा। तो पाइथागोरस क्या है, तो अगर मैं PQ का स्क्वायर करूं तो वो कितना हो जाएगा 36। ये देख ले, PQ स्क्वायर 36 है। चलो OQ स्क्वायर करूंगा तो वो कितना हो जाएगा, OQ स्क्वायर रूट, ये रूट निकालना है ना, तो वो कितना हो जाएगा 18। उसी तरह ये दोनों तो इक्वल है, यानी कि OP स्क्वायर इज इक्वल टू 18। तो आप देखो कि ये दोनों इक्वल होगा, ये तो ये हो गया हमारा पाइथागोरस। PQ स्क्वायर इज इक्वल टू OQ स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा पाइथागोरस, ये होगा आइसोसेलस। सो इट इज हैज प्रूव्ड दैट द वर्टिसेस ऑफ पी क्यू एंड ओ आर द वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलस राइट एंगल ट्राइंगल। ओके।